जी सर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे कि एक न्यू सेटअप जो कि आपके मोबाइल में आप यूज कर सकते हो टाइपिंग के लिए। सो देखिए, इसमें आपको क्या क्या लगता है। इसमें आपको कीबोर्ड, माउस, यूएसबी हब एंड ओटीजी चाहिए। सो इसका सेटअप के लिए मैंने दो वीडियो बनाया था, बट मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका बहुत सारे कमेंट आया था कि मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है कि ओटीजी कनेक्ट हो रहा है बट ये वर्क नहीं कर रहा है, कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा है, माउस वर्क नहीं कर रहा है। सो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं मैं आपको एक बाई वन बाई वन आपको बताऊंगा। सो उससे पहले इसका सेटअप क्या है मैं अगेन बता देता हूं। सो देखिए, इसमें जो भी प्रोडक्ट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे, आपके ऑनलाइन शॉपिंग पर मिल जाएंगे जितने भी ऐप्स हैं उनमें, और मार्केट में भी मिल जाएगा अप टू 600 to 700 इसमें आपको मिल जाएगा, जो कि लो प्राइस में मैं बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा प्राइस में आपको परचेस करना है सो आप परचेस कर सकते हो। सो इसमें आपका जो कि आपके हिसाब से आपको परचेस करना है। सो आप मोबाइल में यूज कर रहे हो सो इतना भी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं चाहिए। सो देखिए, सो ये आपको कनेक्ट करना है अपने मोबाइल में। सो इससे पहले आपको मैं बताऊँगा कि ये जो आपका मोबाइल है, आपको ओटीजी आपका जो कीबोर्ड है, माउस है, इसको यूज़ करने के लिए आपका मोबाइल जो है ये ओटीजी सपोर्टेड होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल ओटीजी सपोर्टेड नहीं है देन आप जो भी प्रोडक्ट इसमें यूज़ करोगे, माउस, कीबोर्ड, ये वर्क नहीं करेगा। सो फर्स्ट इसको आपको याद रखना है, आपका मोबाइल ओटीजी सपोर्टेड होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आपको मैं फर्स्ट इसका सेटअप बताऊंगा, उसके बाद मैं लेकर अपने मोबाइल में कनेक्ट करूंगा। मेरा जो मोबाइल का मॉडल है वो रियलमी C3 का है जो कि ओटीजी सपोर्टेड है। मेरे अभी रिसेंटली एक कमेंट आया था मेरे जो सब्सक्राइबर का, वीवो Y50 और Y55 के भी और ऐसा ही कुछ मोबाइल्स का मॉडल्स था, उसमें अब मैं जो कि कमेंट आया था कि ये इस मोबाइल्स में काम नहीं करता है। सो अगर आपका मोबाइल ओटीजी सपोर्टेड है देन ये ऑल ओबियसली काम करेगा। सो अगर आपका ओटीजी, माउस और कीबोर्ड और यूएसबी हब में कोई भी प्रॉब्लम होगा देन ये वर्क नहीं करेगा। अगर आपका मोबाइल में ओटीजी सपोर्टेड है देन ये कंपलसरी वर्क करेगा। सो देखिए, फर्स्ट हम इसको कनेक्ट करते हैं, नेक्स्ट हम इसमें मोबाइल में कनेक्ट करेंगे। फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, यूएसबी हब लाना पड़ेगा। यूएसबी हब में ये जो फर्स्ट वाला जो यूएसबी है इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अपना माउस जो है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। ये ओनली इसमें माउस कनेक्ट होगा इसमें। अगेन ये जो तीनों यूएसबी है इसमें आप अपना कीबोर्ड यूज कर सकते हो, कोई से भी यूज कर सकते हो। सो फर्स्ट मैं कनेक्ट करूँगा अपने माउस को। देखिए, मैं इसमें अपना माउस कनेक्ट करता हूँ, अच्छी तरह से मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ये देखिए। नेक्स्ट देखिए, मैं कीबोर्ड का जो यूएसबी है, कीबोर्ड का भी एक यूएसबी होगा, माउस का भी एक यूएसबी होगा। सो मैंने माउस को लेकर इसमें पुट कर दिया, इनपुट कर दिया। नेक्स्ट मैं ये जो कीबोर्ड है इसका मैं यूएसबी ये तीनों में से कोई से भी मैं इसमें पुट कर सकता हूँ। देखिए, मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है। सो ये दोनों कनेक्ट हो चुका है यूएसबी हब से। नेक्स्ट देखिए, ये आपका एक अगेन यूएसबी आ गया जो कि यूएसबी हब का। ये दोनों यूएसबी हब में कनेक्ट हो चुका है। सो यूएसबी हब का भी एक यूएसबी आ जाएगा। सो उसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा अपने मोबाइल में। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये ओटीजी चाहिए। सो ओटीजी में इसको कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये जो ओटीजी है ये आपको अपने मोबाइल के हिसाब से लाना पड़ेगा। अगर आपका जो कि मोबाइल का जो चार्जर पॉइंट है अगर वो बी टाइप है देन आपको बी टाइप लाना पड़ेगा, अगर ये सी टाइप है देन आपको सी टाइप लाना पड़ेगा। सो मेरा तो बी टाइप है, सो मैं बी टाइप मैंने ओटीजी ले लिया है। सो मैं क्या करूँगा, इसमें कनेक्ट करूँगा। सो देखिए, अगर मैं इसमें कनेक्ट करता हूँ इसमें कोई भी जो कि फंक्शन आपको नहीं दिखाएगा क्योंकि मेरा जो सेटिंग में ओटीजी ऑप्शन एनेबल नहीं है। सो मैं क्या करूँगा, इसमें ओटीजी ऑप्शन को एनेबल करूँगा। सो देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ, ओटीजी ऑप्शन को एनेबल करता हूँ। आपके सामने ये जो है माउस है इसका जो कि लाइट इंडिकेटर ये जलने लगेगा, ये कीबोर्ड में भी आपका लाइट आ जाएगा। सो देखिए, मैं सेटिंग पर जाता हूँ। सेटिंग पर जाने के बाद मैं क्या करूँगा, इसमें सर्च करूँगा ओटीजी। क्या सर्च करूँगा, ओटीजी। इसमें सर्च करने के बाद आपको मिल जाएगा ओटीजी कनेक्शन का एक ऑप्शन। सो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे देन आपका जो देखिए ओटीजी कनेक्शन वाला एक एनेबल का एक ऑप्शन आ जाएगा। सो आपको इसमें एनेबल कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, अगर आप इसमें, मैं अगेन ऑफ कर देता हूँ, देखिए ये लाइट ऑफ है, जो कीबोर्ड का लाइट, सॉरी आपका जो माउस का लाइट ये ऑफ है। अगर मैं इसको एनेबल करता हूँ देखिए इसमें लाइट जलने लगेगा।
नेक्स्ट देखिए, इसमें भी मैसेज आ जाएगी आपका जो कि फिजियोकल कीबोर्ड है ये आपका कनेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, ये आपका माउस तो एक्टिवेट हो चुका है। अगेन चेक करेंगे आपका जो कि कीबोर्ड। सो कीबोर्ड को चेक करने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर लक है इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए लाइट जलने लगेगा, इसमें नंबर लक और आपका जो कि कैप्स लॉक है, अगर आप उसको भी ऑन करते हो देन इसमें भी और एक लाइट जलने लगेगा। सो ये था आपका सेटअप। सो इसमें देखिए मैं कैसे यूज़ करता हूँ, आपके सामने मैं यूज़ करता हूँ माउस का ये पॉइंटर आ चुका है। अगर आप इसमें बैक करना चाहते हो देन आपको सिंपली माउस का जो राइट क्लिक है आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माउस का राइट क्लिक सिलेक्ट करने के लिए आपको लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा, ये कीबोर्ड से टाइप हो जा रहा है। सो मैं इसको बैकस्पेस कर देता हूँ। देखिए मैं कीबोर्ड से भी इसको यूज़ कर सकता हूँ, सिंपली मैं सर्च करूँगा, देखिए आपके सामने यूट्यूब सर्च करूँगा, यूट्यूब ये देखिए सर्च हो रहा है। सो टाइपिंग भी हो रहा है ना। सो मैंने ये जो आपका लेटर क्यों जो कि बड़ा आया है, सो मैंने कैप्स लॉक ऑन किया था सो ये बड़ा आ रहा है। सो मैं अगर उसको ऑफ कर देता हूँ देन ये छोटा आ जाएगा। सो कीबोर्ड का तो यूज आपको पता होगा, सो आप डायरेक्टली इसमें यूज कर सकते हो। इसमें ब्राउजिंग भी आप अच्छी तरह से कर सकते हो। सो देखिए मैंने इसका सेटअप आपको कम्प्लीटली बता दिया है। सो इसमें क्या प्रॉब्लम आता है मैं अगेन बता देता हूँ। इसमें देखिए आपका जो ये OTG, ये बार बार ये OTG में ही प्रॉब्लम आता है। अगर आपका सभी डिवाइस ये OTG के साथ ही कनेक्ट होता है अपने मोबाइल में, अगर इसमें कोई भी डिफेक्ट आ जाए देन ये आपका जो कि माउस एक्टिवेट होगा, कीबोर्ड एक्टिवेट होगा, बट ये जो टाइपिंग एंड इसका जो पॉइंटर है इसमें वर्क नहीं करेगा। देखिए मेरा ये तो पॉइंटर वर्क कर रहा है, टाइपिंग वर्क कर रहा है, सभी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जो OTG है, आपका USB हब है, माउस है, कीबोर्ड है, ये सभी अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं। सो आपको फर्स्ट आपको चेक करना है आपका मोबाइल OTG सपोर्टेड होना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो कि OTG है ये अच्छा OTG होना चाहिए जो कि वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आपका जो कि USB हब है ये भी अच्छा होना चाहिए, अगर ये भी कोई भी इसमें डिफेक्ट आ जाए देन ये भी वर्क नहीं करेगा। सो इस टाइप से आपको चेक कर लेना है आपका जो कि जो भी आप डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं है। इसमें देखिए ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, मैंने USB हब में ये दोनों USB बाकी है। सो इसमें आप कोई सा भी आपका अगर कोई भी आपका प्रिंटर है सो इसमें भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपके मोबाइल में प्रिंट भी हो सकता है। सो प्रिंटर भी इसमें वर्क करेगा, आपका जो कि फिंगरप्रिंट जो डिवाइस यूज़ करते हो ये भी वो इसमें वर्क करेगा। सो ये जो दोनों पॉइंट्स है USB पॉइंट है, इसमें आप कोई सा भी जो कि आउटपुट और इनपुट डिवाइस इसमें कनेक्ट कर सकते हो। सो देखिए मैंने आपको कम्प्लीटली बता दिया है ये जो कि इसका सेटअप अगेन इसका क्या है, इसको मैंने कैसे यूज़ किया है। अगर इसमें अगेन भी इसमें कोई भी आपको क्वेश्चन है और प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई जल्द ही दे दूँगा। सो इसको मैंने बता दिया कि इसमें क्या क्या सब प्रॉब्लम आते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।